वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जय माता की। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और चौथे दिन नवरात्रि में हम माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ माता कुष्मांडा की कथा। कौन है माता कुष्मांडा, तो इस बारे में जानने के लिए दोस्तों आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा इन्होंने ब्रह्मांड का सृष्टि किया और कुष्मांडा नाम से इनको अभिहित किया गया। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईषत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की आठ भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजा भी इनका नाम है। इनके सात हाथों में कमंडलु, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। आठवें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुमरे की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुमरे को कुष्मांड कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति और क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनकी शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के भांति ही दैदिव्यमान है। इनकी ही तेज से दशों दिशाओं में आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इसी देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों को रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाली को सुगमता और परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा और सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियां व्याधियां से मुक्त करती हैं और उसे सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्त को स्वदैव तत्पर रहना चाहिए। तो दोस्तों आइए अब हम माता कुष्मांडा का मंत्र सुन लेते हैं। सुरा संपूर्ण कलशंक रुधिराप्लुतमे वच दघाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। इसका अर्थ है, जो कलश मदिरा से भरा हुआ है, रुधिर अर्थात रक्त से लथपथ है, ऐसे कलश को माँ भगवती ने अपने दोनों कर कमलों में धारण किया है। ऐसी माँ कुष्मांडा को मुझे शुभता अर्थात कल्याण प्रदान करे। तो दोस्तों ये रही माता कुष्मांडा की कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए। अगर आप किसी के साथ ये कथा बांटना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कर लीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय माँ कुष्मांडा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी नवरात्रि के एक और कथा लेके। तब तक के लिए जय माता दी।